So we start with a chapter called as Cost of Capital. Okay, Cost of Capital chapter. Now, what do you mean by this chapter? क्या कर रहे हैं हम इस chapter में? सबसे पहले तो ये capital मतलब क्या? When I say capital means what? When I say capital, I talk about capital employed. अगर हम कंपनी के एंगल से बात करें तो कैपिटल मतलब खाली शेयर कैपिटल नहीं. व्हेन आई से कैपिटल, इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो भी कैपिटल में आता है. व्हेन आई से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी कैपिटल है. एंड व्हेन आई से डेट, डेट मतलब क्या? बोरोड फंड. जो कंपनी लोन लेता है ना, कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा लेता है? इक्विटी से पैसा लेता है, प्रेफरेंस से पैसा लेता है, कंपनी रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व्स होता है, वो भी तो कंपनी का फंड है, और डेट लोन्स. तो कंपनी अलग अलग लोगों से पैसा लेते हैं, और ये हर एक फंड जो मिलता है कंपनी को, तुमको क्या लगता है ये फंड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या? ये पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब इन्वेस्टर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टर, बराबर है. देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज एन इन्वेस्टर, डिबेंचर होल्डर्स दे आर इन्वेस्टर, बैंक लोन देता है, बैंक इज एन इन्वेस्टर. तो ये लोग अपना पैसा कंपनी को देते हैं, तो ऐसे ही फ्री में दे देंगे? नहीं, सबको कुछ ना कुछ रिटर्न सामने चाहिए. ये जो कंपनी सबको देता है, या इन सबका जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से, ओके, इन सबका जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हमको ये सब फंड्स का कॉस्ट फाइंड करना है. सर क्यों? कॉस्ट क्यों फाइंड करना है? चलो सबसे पहले ना एक एग्जांपल लेते हैं. अज्यूम करो, फॉरगेट अबाउट कंपनी, चलो तुम्हारी बात करते हैं. कंपनी की बात छोड़ो, दो मिनट के लिए छोड़ो उसको, तुम्हारी बात करते हैं. तुमको है ना 10 लाख रुपया चाहिए, तुमको 10 लाख रुपया चाहिए, तुमको बिजनेस चालू करना है. तो बताओ तुमको पैसा कहाँ से आएगा? टेल मी. तुम लोग को 10 लाख रुपया किधर से आएगा? टेल मी. कहाँ से लाओगे पैसा? फैमिली फ्रेंड है, बैंक लोन है, बैंक लोन, बराबर है. बैंक से लोन ले सकते हो, तुम्हारे फैमिली में किसी से ले सकते हो, घर से पापा से ले सकते हो, बराबर ना. समझो तुम लोग को 10 लाख रुपया चाहिए, तो तुम लोग ऐसे फंड रेस कर रहे हो, ठीक है. बैंक से लोन तुमको मिल रहा है 10% पे, समझो 10% बैंक से लोन ले रहे हो तुम. यू टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक से 6 लाख रुपया. सपोज तुम्हारा एक फ्रेंड है, तुमको लोन दे रहा है, समझो 7% फ्रेंड का लोन, ठीक है, फ्रेंड का लोन लिखता हूँ मैं, समझो 2 लाख रुपया. और तुम्हारे पापा तुमको लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 4% पापा लोन, ठीक है, टोटल हो गया 10 लाख रुपया. तुम लोग बोलोगे सर मेरे पापा मेरे से इंटरेस्ट नहीं लेंगे. अरे बाबा तुम्हारे पापा तुमको क्या बोल रहे हैं पता है? योर पापा इज टेलिंग यू, योर डैड इज टेलिंग यू, देख बेटा ये पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, मैं बैंक से पैसा निकाल के तुझे दे रहा हूँ, समझ, मैं पैसा बैंक से निकाल के तुझे दे रहा हूँ, ठीक है. तो अगर तू इसको कहीं इन्वेस्ट करेगा तो कम से कम 4% कमाना. कितना बोला मैंने? कम से कम 4% कमाना, ओके. क्योंकि अगर ये पैसा ऐसे ही पड़ा रहा तो भी हमको 4% मिलने वाला है बैंक से, तो भी हमको बैंक से 4% मिलने वाला है. तो तुम कम से कम 4% कमाओ इसके ऊपर. ये पैसा ऐसे ही सेविंग अकाउंट में पड़ा रहा तो 4% मिल रहा है मुझे, तो आई एम गिविंग यू दिस मनी, तो यू हैव टू अर्न एटलीस्ट 4%, बराबर है. यू हैव टू अर्न एटलीस्ट 4%, ऐसा तुमको पापा बोल रहे, ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट वी कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ये तुमको अलग अलग फंड मिल रहा है, अब ये तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है. तुमको थोड़ा फंड मिल रहा है 10% पे, थोड़ा फंड मिल रहा है 7% पे, थोड़ा फंड मिल रहा है 4%. तुम्हारा एवरेज कॉस्ट क्या है? तुम एवरेज कॉस्ट जानना चाहोगे, बराबर है. तुम एवरेज कॉस्ट जानना चाहो, फाइन. तो तुमको कुछ फंड मिल रहा है 10% पे, कुछ फंड तुमको मिल रहा है 2% पे, कुछ फंड तुमको मिल रहा है 4% पे, ठीक है. एवरेज कॉस्टिंग निकालते हैं. सर क्यों? अरे बाबा ये 10 लाख रुपया हमको कहीं इन्वेस्ट करना है. डाउट्स बाद में, रुक जा. 10 लाख रुपया ओके तो चलो अभी तो तुमको ये मिल रहा है, हमको एवरेज कॉस्ट निकालना है. सर एवरेज कॉस्ट क्यों निकालना है? अरे बाबा ये 10 लाख रुपया मैं किधर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बराबर है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि 10 लाख का कॉस्ट क्या है मेरा.
बराबर 10 लाख का कॉस्ट क्या है। ओके तो ये 10 लाख का कॉस्ट मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो कैसे मिलेगा? 10% ऑफ 6 लाख दैट इज 60,000, 10% ऑफ 6 लाख इज 60,000। चलो तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट? 10% ऑफ 6 लाख इज 60,000 करेक्ट, 7% ऑफ 2 लाख कितना आएगा 14,000 आता है, एंड 4% कितना आएगा 8,000। टेल मी द टोटल, टोटल कितना आता है? 60 + 74 = 82,000 बराबर है। तो 82,000 मतलब जो 10 लाख है ना, 10 लाख ये 10 लाख का जो कॉस्ट है वो 82,000 है। तुमको जो 10 लाख रुपया मिल रहा है, तुमको जो 10 लाख रुपया मिल रहा है बराबर है, उसका एवरेज कॉस्टिंग हो रहा है 82,000। मतलब क्या कॉस्ट आ रहा है? तो तुम्हारे लिए कॉस्ट कितना है? 82,000 डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100 मतलब कितना आएगा ये? 8.2% बराबर है। तो 8.2% कॉस्ट है। तो तुम 10 लाख रुपया जहां से भी ला रहे हो, तुम 10 लाख रुपया जिधर से भी ला रहे हो बराबर है, वो 10 लाख रुपये पे 82,000 तुम्हारा कॉस्ट आ रहा है। मतलब 8.2% कॉस्टिंग हो रहा है, 8.2% कॉस्टिंग हो रहा है बराबर है। इस ये कॉस्ट निकालने का फायदा क्या है? ये तुम 10 लाख रुपया किधर भी इन्वेस्ट करोगे तो वहां से कम 8.2 से ज्यादा तो कमाना चाहिए। यस ऑर नो? वी शुड अर्न एट लीस्ट मोर देन 8.2% बराबर है, क्योंकि 8.2 तो अपना कॉस्ट है। तो 10 लाख पे 8.2% का कॉस्ट है, तो ये 10 लाख जिधर भी हम इन्वेस्ट करें वहां पे 8.2% से ज्यादा कमाई होना चाहिए। तो जैसे तुमने तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला ना, वैसे हमको इधर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ओके तो मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रेफरेंस का कॉस्ट कितना है, इक्विटी का कॉस्ट कितना है, डिबेंचर का कॉस्ट कितना है, ये सब मुझे फाइंड आउट करना है। ये तो सिंपल है सर। नहीं, ऐसा कैलकुलेशन नहीं। जैसे डिबेंचर का कॉस्ट तो इंटरेस्ट होएगा सर? ना ना ना, ऐसा नहीं। कुछ अलग कैलकुलेशन है, कुछ अलग कैलकुलेशन। तो हमको क्या करना है? पहले इंडिविजुअल कॉस्टिंग निकालना है। ओके, इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना है। जैसे तुम्हारा इधर इंडिविजुअल कॉस्ट दिया हुआ ना, वैसे कंपनी का हमको इंडिविजुअल कॉस्टिंग करना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग बोलते हैं KE। K स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, लैटिन में K स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स को हम लोग KR बोलते हैं, ठीक है। KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड KD कॉस्ट ऑफ डेट, ये इक्विटी शेयर होल्डर का ही रिजर्व्स होता है। तो मोस्टली KE KR सेम ही होता है, बट देर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन की बात हम बाद में करेंगे। बट KE और KR सेम होता है, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस बेसिकली इक्विटी का ही होता है। कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड देता है, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बच जाता है वो सारा का सारा इक्विटी का ही होता है बराबर। तो हमको क्या करना है? KE KR KP KD हमको फाइंड करना है, अलग अलग फाइंड करना है, और फिर बाद में वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे हमने इधर 8.2 निकाला ना इधर, ये वैसे कंपनी का हमको कॉस्ट निकालना है। ओके तो ये कॉस्ट हम जो कैलकुलेट करेंगे बराबर है, दिस कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। सर वाई? हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, हमको हमने यूज किया था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, याद है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना रिटर्न मिला। और अभी हम लोग फाइंड कर क्या कर रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉस्ट कितना है। फिर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कॉस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करेंगे। अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होना चाहिए। कंपनी को भी अलग अलग लोगों से पैसा मिलता है, वो पैसा कंपनी कहीं इन्वेस्ट करने वाला है, तो कंपनी को फंड कहां से मिला? अलग अलग लोगों से मिला, तो उधर क्या कॉस्ट पे करेंगे वो फाइंड आउट करना जरूरी है। उसको हम बोलेंगे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे तुम्हारा 8.2% था वैसा। ओके समझो हमको WACC आया 10%, सपोज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझो हमको 10% आया, तो ये 10% हम लोग कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं, कंपनी इन्वेस्ट करेगा, तो वहां से कितना मिलेगा? वहां से कितना मिलेगा? 10% से ज्यादा मिलना चाहिए। तो कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट से, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से, वो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड से पता चलता है, ये हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पता चलता है, ठीक है। अब देखो, इंटर में नहीं, फाइनल सीएम एक टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडिट। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक वैल्यू एडिट। उधर हम लोग ये कंपेरिजन करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे कॉस्ट कितना,
और कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कॉस्ट कितना मैंने क्या बोला और कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न कितना, तो दिस माइनस दिस करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को बोलते हैं ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, विच वी डोंट हैव इन इंटर, वी हैव इन फाइनेंसिंग। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, अभी अभी हम हमारा काम क्या है, ये के केपी केडी सब इंडिविजुअल हमको पहले समझना है, एक एक करके पहले फाइंड करते हैं, फिर हम लोग ओवरऑल कॉस्टिंग करेंगे ओवरऑल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें, तुम लोग कुछ लिखो मत, डोंट राइट, मैं बोलूंगा तब लिखो, आई विल मेक यू राइट, डोंट राइट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब क्या सर, केडी, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी। इसका फॉर्मूला क्या है, केडी का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 - t डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। लेट अस मेक द फॉर्मूला, छोड़ो पहले फॉर्मूला हम लोग बाद में लिखते हैं, पहले कुछ समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो सपोज 10% डिबेंचर, चलो ठीक है 10% डिबेंचर है, फेस वैल्यू इसका 100, समझो ना इशू प्राइस 100 रुपये है, ये इसको इशू किया 100 रुपये में, 100 रुपये का डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपया है, इशू भी 100 रुपये में किया, समझो इशू एट पार, इशू एट पार। ठीक है, तो व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ डेट, व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, समझो मैं कंपनी हूँ, तुम लोग डिबेंचर होल्डर हो, ठीक है मैं कंपनी हूँ तुम लोग डिबेंचर होल्डर हो, तो 100 रुपया मुझे मिलेगा तुमसे, क्योंकि मैंने इशू 100 रुपये में किया ना, तो तुम लोग मेरे को 100 रुपया दोगे। अच्छा मैं तुमको इंटरेस्ट कितना देने वाला हूँ, इंटरेस्ट किस पे आएगा, इंटरेस्ट इशू प्राइस पे आता है कि फेस वैल्यू पे आता है, बताओ, फेस वैल्यू, ऑलवेज फेस वैल्यू, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे तुम कैलकुलेट करोगे, बराबर है, तो 100 रुपये का फेस वैल्यू है 10%, मतलब ये 10 रुपीज हुआ इंटू 100, तो ये कितना आएगा 10% आएगा, तो 10% मेरा कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, 10% मेरा कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। तो सर ये तो इंटरेस्ट ही हुआ ना, अरे रुको 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 आगे बढ़ते हैं, रुको रुको अभी, बराबर है इंटरेस्ट 10% है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, चलो डन। मैं थोड़ा चेंज करता हूँ अभी, ठीक है, अज्यूम करो इशू इज एट प्रीमियम, मैं डिबेंचर इशू करता हूँ 110 में, बराबर 110 में डिबेंचर इशू किया, तुम लोग डिबेंचर होल्डर हो, मैं कंपनी हूँ, मैंने तुमको डिबेंचर दिया, ये लो डिबेंचर, कितना 110 रुपया, लाओ 110 रुपया दो, तुमने मेरे को 110 रुपया दिया, मैं कंपनी हूँ तुम लोग डिबेंचर होल्डर हो, अभी कंपनी तुमको इंटरेस्ट कितना देगा, 10 रुपया, इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू नो, इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू होता है, बराबर है, लेकिन मुझे 110 के सामने 10 रुपया इंटरेस्ट देना है, समझो मुझे तो 110 मिला है तुमसे और मैं तुमको 10 रुपया ही दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे है, वो 110 पे थोड़ी आएगा, तो कंपनी को 110 रुपया मिला और 10 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, 110 पे 10 रुपया मतलब कितना टका होता है, 10% नहीं होता है, कितना होता है, हाउ मच इट इज, 10 / 110 × 100 कितना आएगा, 9.09%। ठीक है, तुम लोग चैट बॉक्स पे लिखते जाओ आंसर, यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, हाँ अदर्स एवरीवन चैट बॉक्स पे आंसर लिखो, तो कितना आएगा 9.09, मतलब My 110 rupees, I am getting 110 rupees, debenture का value 110 है और 110 के सामने 10 रुपया इंटरेस्ट, मतलब 9.09% हो रहा है, ये कॉस्ट है कंपनी का, कंपनी का कॉस्ट 10% नहीं है इधर, बराबर है। चलो चेंज करते हैं, और चेंज करता हूँ मैं, अज्यूम करो इशू प्राइस है ना 90 है, मुझे 90 रुपया मिला तुमसे, तुम लोग डिबेंचर होल्डर हो, ठीक है मुझे 90 रुपया मिल रहा है, देखो 90 रुपीज मिला और मैं तुमको इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ, 10 रुपया इंटरेस्ट तो मैं 10 रुपया ही दे रहा हूँ, तो 90 रुपये का डिबेंचर मुझे तुमसे 90 रुपीज मिल रहा है और मैं तुमको 10 रुपया दे रहा हूँ, 90 के सामने 10 पकड़ो तुम, आई एम गेटिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंड, इट इज 90, वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 90, तभी तो मैं 90 में इशू कर रहा हूँ, बोलो कितना कॉस्ट आ रहा है बताओ, 11.11, तो अभी मेरा डिबेंचर मुझे कॉस्ट कर रहा है 11.11, डिबेंचर का कॉस्ट 11.11 पकड़ो, डिबेंचर का कॉस्ट 10% नहीं, नॉट इंटरेस्ट रेट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं,
यस सर ठीक है, चलो मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, लेट मी चेंज इट। अज्यूम करो इशू प्राइस 110 है और मैं तुमको देता हूँ फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या दे रहा हूँ तुमको? फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 पर डिबेंचर। ठीक है सर, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? इट इज कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग द सिक्योरिटीज इन द मार्केट। सिक्योरिटीज को पब्लिक तक पहुंचाने का खर्चा। एग्जाम्पल जैसे अंडरराइटिंग कमीशन है, कोई भी इशू होता है तो हम उसको अंडरराइट करते हैं। अंडरराइटर्स आर गारंटर, विल टेक द गारंटी ऑफ द इशू। पब्लिक नहीं लेगा तो हम लेगा, वैसे अंडरराइटर्स होते हैं। तो अंडरराइटर्स का कमीशन, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज फीस, अगर ये डिबेंचर्स या शेयर्स हम लोग एक्सचेंज पे लिस्ट करवाते हैं तो उसका खर्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर का प्रिंटिंग का खर्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, तुम ये डिबेंचर इशू करते हो, इक्विटी शेयर इशू करते हो तो न्यूज़पेपर्स में ऐड देना पड़ता है कंपलसरी, ये दो पेपर में। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, एक्सचेंज फीस, ये सब खर्चा है, इसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो चलो पर डिबेंचर ₹5 फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो अब देखो कंपनी के एंगल से देखो, कंपनी को तुमसे मिला ₹110 और ₹5 तो कंपनी का खर्चा हो गया फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कंपनी के हाथ में कितना है? 105। तो 105 पे कंपनी ₹10 दे रहा है, 105 पे कंपनी ₹10 दे रहा है तो क्या रेट आता है बोलो? व्हाट इज द रेट? 9.52% बराबर है, 9.52% समझ में आया? तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं है, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, बराबर है। इधर ये जो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, न्यूमरेटर में है कॉस्ट ऑफ फंड्स और डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ फंड्स। डिनोमिनेटर में नीचे वैल्यू लिख रहा हूँ कि फंड का वैल्यू क्या है और ऊपर में लिख रहा हूँ उसको क्या देता है, What is paid to the funds, right? पैसा। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बन गया, चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या बन गया हमारा। दिस इज, इससे क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, ₹10 क्या है? इंटरेस्ट है। अपॉन नीचे क्या है, 110 माइनस 5, 110 मेरा इश्यू प्राइस है और ₹5 मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट है, नेट ₹105 हाथ में आया। तो इसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। क्या बोलते हैं इसको? नेट प्रोसीड्स, ठीक है, इनटू 100, नेट प्रोसीड्स इनटू 100, बराबर है। चलो सुनो अभी, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, व्हाट इज नेट प्रोसीड्स? नेट प्रोसीड्स मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड्स मतलब इशू प्राइस, 110 इशू प्राइस है देखो, माइनस ₹5 क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ₹5 क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ओके। चलो अभी देखो फॉर्मूला खत्म हो गया सर? नहीं, एक पॉइंट और बाकी है। ये जो डिबेंचर कंपनी इशू करता है ना, डेट लोन डिबेंचर कंपनी जो इशू करता है, उस पर कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है कंपनी को? टैक्स बेनिफिट मिलता है। चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। सपोज कंपनी को पैसा चाहिए, बराबर है। कंपनी को दो तरीके से पैसा मिल सकता है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकता है, कंपनी लोन भी ले सकता है, दो ऑप्शन है सपोज, ठीक है। 10% डिबेंचर, 10% प्रेफरेंस, दोनों 10% है सपोज, अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 10% डिबेंचर से रेस कर सकता है कंपनी पैसा और 10% प्रेफरेंस से भी कंपनी पैसा रेस कर सकता है, ठीक है। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। जिन्होंने पहले दो चैप्टर मिस किए, मैं अज्यूम करता हूं तुम पढ़ के आए हो, तुमने लेक्चर देखा हुआ है, रिकॉर्डिंग देखा हुआ है, बराबर है। चलो ईबीआईटी तुम्हारा समझो ना, इधर ईबीआईटी आता है ₹10,000, ठीक है, समझो ईबीआईटी ₹10,000, बराबर। या फिर मैं थोड़ा सा उसको बढ़ा देता हूँ, लेट अस मेक इट से 50,000,
और डिबेंचर का अमाउंट और प्रेफरेंस का अमाउंट में 1 लाख लेता हूं, ठीक है, 1 लाख, दोनों दोनों 1 लाख है, तो 1 लाख 10% ऑफ 1 लाख, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा 10,000, और इधर इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। तो ये क्या मिलेगा तुमको, अर्निंग बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर, ये कितना आएगा 40,000, ये आएगा तुम्हारा 50,000, बराबर, लेस टैक्स, चलो टैक्स रेट मैं लेता हूँ से 30%, तो 30%, 40,000 का 30% 12,000, 50,000 का 30% कितना आएगा 15,000, बराबर, ये आएगा 28,000, ये कितना आएगा 35,000, बराबर है, 28,000, 35,000, ये क्या मिला तुमको, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, बराबर है, इसके बाद तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, इधर प्रेफरेंस 10% ना, 10% मैंने बोला 1 लाख, 1 लाख पकड़ो, 1 लाख का 10% 10,000। अच्छा फिर आगे कैलकुलेशन करते रहेंगे, फिर आगे हम कैलकुलेशन करते रहेंगे, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कंपनी के एंगल से देखो, कंपनी डिबेंचर होल्डर को 10,000 इंटरेस्ट देते हैं, कंपनी प्रेफरेंस वाले को 10,000 प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया तो 10,000 का इंटरेस्ट देना है, बराबर है, डिबेंचर होल्डर 10,000 लेके जाएगा, लेकिन उसकी वजह से टैक्स में बचत हो रहा है, देखा तुमने, ये कंपेयर करो, देखो ये कंपेयर करो, दोनों में टैक्स किधर कम है, डिबेंचर इशू किया तो इंटरेस्ट देखो उधर टैक्स कम आता है, क्यों, इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट माइनस करते फिर टैक्स आता है ना, तो इधर तुम्हारा टैक्स कितना है 12,000, इधर तुम्हारा टैक्स कितना है 15,000, 3,000 कम है कि नहीं, yes, sir. Yes. तो कंपनी को क्या सोचना चाहिए मालूम है, कंपनी को ऐसे सोचना चाहिए कि मैं 10,000 रुपया डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे रहा हूं, चलो डन, लेकिन 10,000 डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया तो सामने मेरा 3,000 का टैक्स बच रहा है, 3,000 का सेविंग है, देखो तीन, ये डिफरेंस 3,000 है, देखो, तो क्या सोचना चाहिए कंपनी को, कंपनी को ऐसा सोचना चाहिए कि 10,000 का इंटरेस्ट है और 3,000 का फायदा हो रहा है, मतलब नेट 7,000 का खर्चा हो रहा है, तो अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो मेरा नेट खर्चा 7,000 होता है, और अगर मैं प्रेफरेंशियल इशू करता हूं तो मेरा खर्चा 10,000 ही होता है, उसमें टैक्स का फायदा नहीं होता है, तो डिबेंचर इशू करने में नेट नेट 7,000 का फायदा होता है, बोलो समझा सबको, ये चैट बॉक्स पे लिखो यस नो, समझा कि नहीं समझा पहले बोलो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ये बार बार फॉर्मूला में लिखने वाले हैं, हम ये फॉर्मूला में बार बार लिखने वाले हैं, ओके, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सुनो, तो 7,000 रुपया मेरा नेट कॉस्ट है इफ आई इशू डिबेंचर, इफ आई इशू प्रेफरेंस तो 10,000 ही कॉस्ट आएगा, लेकिन अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो डिबेंचर टैक्स के पहले आ जाता है, उसकी वजह से मेरा 3,000 टैक्स कम आता है, नहीं तो मेरा टैक्स 15,000 आने वाला था, अभी 12,000 आया, 3,000 कम हो गया, देखो yes. बराबर है, अच्छा तो मैं ऐसे सोचता हूँ, कंपनी ऐसा सोचते हैं 10,000 डिबेंचर होल्डर लेके जाएगा, हाँ वो लेके जाएगा 10,000, जाने दो उसको, 3,000 का टैक्स बचेगा तो मेरा 7,000 का नेट कॉस्ट आएगा, ये 7,000 मैं कैसे लिखता हूँ, देखो आई एम राइटिंग लाइक दिस, इंटरेस्ट 10,000, मुझे 7,000 लिखना है तो मैं 1 माइनस 0.3 लिखता हूँ, 0.3 क्या है, टैक्स 30% टैक्स है ना, तो क्या लिखा मैंने 1 माइनस 0.3 टैक्स, तो ये 7,000 आएगा, बराबर है, देखो बराबर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया मालूम है, हमारा फॉर्मूला ऐसा बन गया, इंटरेस्ट 1 माइनस t, ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज माई फॉर्मूला, करेक्ट, अच्छा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज फॉर परपेचुअल डिबेंचर, क्या बोला मैंने, परपेचुअल डिबेंचर, डिबेंचर रिडीमेबल भी होता है ना, यस, रिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या, 5 साल के बाद 10 साल के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस देगा, तो ये मैंने फॉर्मूला तुमको बताया वो परपेचुअल डिबेंचर का है, रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला किधर है सर, वो बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, अभी नहीं, बाद में करते हैं, बाद में बताता हूं, तो ये तुम्हारा perpetual debenture का formula है, remember, irredeemable, perpetual debentures, अच्छा कभी-कभी है ना, flotation cost percentage में दिया होता है, क्या बोला मैंने, flotation cost percentage में दिया होता है, तो वहां पे क्या करना चाहिए सर, तो वहां पे ना flotation cost हम लोग लेते हैं percentage of issue price, क्या बोला मैंने, percentage of
इशू प्राइस, फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में भी होता है कभी कभी, तो इतना टका फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो इतना टका किसका, 2% समझो, 2% ऑफ व्हाट, 2% ऑफ इशू प्राइस, समझा? ओके, तो ये है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डेट फॉर अ परपेचुअल डेट बोला मैंने, रिडीमेबल वाला हम बाद में करते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं चैप्टर का, राइट ऑफ, लिखो चैप्टर का नाम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट ऑफ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखो, राइट। कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स इक्विटी, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड डेट, एंड डेट, ओके, एंड डेट, चलो आगे बढ़े, चलो, यस सर, आगे लिखो, ईच ऑफ दीज फंड्स, ईच ऑफ दीज फंड्स, each of these funds available to the company, each of these funds available to the company cost something to the company, each of these funds available to the company will cost something to the company, will cost the company, free mein thodi milta hai, full stop. In this chapter we need to calculate, in this chapter we need to calculate overall cost of capital of the company, overall cost of capital of the company so that company can expect, so that company can expect a rate of return above its cost of capital, बराबर है? तो return on capital employed था ना, उसको compare करना पड़ेगा कॉस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, माई रिटर्न शुड बी मोर, कॉस्ट शुड बी लेस, तो कॉस्ट निकालोगे तो पता चलेगा कितना रिटर्न मिलना चाहिए, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, बराबर है? चलो अभी एक लाइन छोड़ो, राइट ऑफ, लिखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट, ये कॉपी करो, पूरा नहीं, इतना कॉपी करो, ये इतना कॉपी करो, कॉपी दिस, ओके, आई होप यू हैव कॉपीड, चलो अभी सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुमको फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, इट विल बी परसेंटेज ऑफ इशू प्राइस, वो समझा तुम लोग को, राइट? इशू प्राइस हमने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में किया था, इसके पहले टॉपिक में समझाया था मैंने, वापस बोलता हूँ,
कंपनी जब नया सिक्योरिटी इशू करता है, नया शेयर इशू करता है या डिबेंचर कोई भी इशू करता है, तो जो मार्केट में भाव चल रहा है ना वो भाव में इशू करना पड़ता है। याद है तुमको? याद है? अगर समझो फेस वैल्यू तुम्हारे बुक में 100 रुपया है, लेकिन तुम्हारे डिबेंचर का भाव मार्केट में 105 रुपया 110 रुपया चल रहा है, तो तुमको वो भाव में इशू करना चाहिए, या उससे नीचे चल रहा है तो डिस्काउंट में इशू करना पड़ेगा। शेयर्स में तो ऐसा बहुत होता है, बराबर है? जैसे रिलायंस का शेयर का प्राइस समझो 2600 चल रहा है सपोज, और उसका फेस वैल्यू 100 रुपया, तो कंपनी का 100 रुपये में शेयर दे देगा? नहीं। तो हमने क्या डिस्कस किया था याद करो, अगर तुमको इशू प्राइस दिया है तो ठीक है फाइन ले लो, लेकिन अगर इशू प्राइस नहीं दिया तो वी अज्यूम इशू इज एट व्हाट? याद करो इशू प्राइस कैसे किया था हमने, इशू इज एट व्हाट? कुछ नहीं बोला तो इशू इज एट मार्केट प्राइस, करेक्ट, इशू इज एट मार्केट प्राइस। तो इशू प्राइस दिया है तो ठीक है ले लेना, इशू प्राइस नहीं दिया है तो हमको मार्केट प्राइस लेना है। देखो राइट, इसके नीचे लिखो, इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन, इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन, देन कंसिडर मार्केट प्राइस, देन कंसिडर मार्केट प्राइस, ठीक है, देन कंसिडर मार्केट प्राइस। चलो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, क्लास वर्क के सब बाद में करते हैं, लिखो चलो, राइट डाउन, राइट। एक्स लिमिटेड वॉन्ट्स टू इशू, एक एग्जाम्पल करते हैं, एक्स लिमिटेड वॉन्ट्स टू इशू 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स के ऑफ फेस वैल्यू ₹100, ऑफ फेस वैल्यू ₹100, ऑफ फेस वैल्यू ₹100, फुल स्टॉप, 10% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100, फुल स्टॉप। टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, लिखो, कैलकुलेट के डी इफ उसके नीचे लिखो, नंबर वन इशू, वेट कैलकुलेट के डी इफ द इशू इज, बाद में लिखो, नंबर वन कैलकुलेट के डी इफ द इशू इज, लिखो नंबर वन एट पार, नंबर टू एट 10% प्रीमियम, नंबर थ्री एट 6% डिस्काउंट, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम लोग, एट डिस्काउंट, नंबर फोर एट 4% प्रीमियम एंड ₹2 फ्लोटेशन कॉस्ट, सपोज ₹2 फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, एंड नंबर फाइव एट से 3% डिस्काउंट एंड 1% बोला मैंने, 1% फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, यू हैव टू ट्राई दिस। चलो फॉर्मूला तुमको पता है क्या है, यू नो द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, बराबर है, यू ट्राई, चलो करो, मैं आंसर देता हूं लेकिन तुम ट्राई करो, पहले स्टार्ट करो, आई डिस्कस द आंसर्स बट यू फर्स्ट ट्राई, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, अपने आप करना है तुमको, करो, उसके बाद हम क्लास वर्क के सम करेंगे, दूसरे टेक्स्ट बुक के सम्स करेंगे, प्रैक्टिस। चलो टेल मी द आंसर्स, एट पार वाले का आंसर क्या मिला बताओ? 7% आंसर, 7%। हाँ चलो मैं यह आंसर लिखता हूँ, ठीक है, आंसर्स इसका 7% आता है पहले वाले का, यस, एट पार वाले का 7% आ रहा है, ठीक है, दूसरा 10% प्रीमियम पे आंसर बोलो, 6.36। चैट बॉक्स, एक काम करो चैट बॉक्स पे लिखो ताकि सब लोग आंसर दें, एक एक करके आंसर बोलो, एक एक करके, 6.36 ना, ठीक है चलो करेक्ट है, 6.36%, जिसको नहीं मिला बोलना मुझे,
6.36%. कैसे मिलेगा? तुम्हारा 10 रुपया इंटरेस्ट है, 1 माइनस t किया तो 7 रुपया, 7 रुपया डिवाइड बाय 110 आएगा नीचे, 7 रुपीज डिवाइड बाय 110। चलो नेक्स्ट वन, 6% डिस्काउंट पे आंसर बोलो। 7.45%, ओके 7.45%। कैसे मिलेगा? ऊपर 7 रुपया, वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है, और नीचे कितना आएगा? 94, नीचे 94। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फोर्थ वाला बोलो। फोर्थ वाले का आंसर कितना मिला? 6.86, ओके 6.86%। ये कैसे मिला? 4% प्रीमियम है तो नीचे क्या आएगा? नीचे डिनोमिनेटर में 104 रुपया माइनस 2 रुपया, तो नीचे 102 रुपया आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 102 रुपीज आएगा। ठीक है, लास्ट वन बोलो। 7.29%, ओके तो नीचे क्या आने वाला है जिसको नहीं मिला? देखो नीचे क्या आएगा, 97, इट इज 3% डिस्काउंट, राइट, 3% डिस्काउंट, सो इट इज 97 माइनस 1% ऑफ 97, करेक्ट, 97 माइनस 1% ऑफ 97, तो तुमको 7.29% आंसर आ रहा है। आई होप यू गॉट द 0.23 आ रहा है, क्यों अलग आ रहा है? चलो मैं इधर करके बताता हूँ। देखो ऊपर तो तुम्हारा 7 रुपया फिक्स है, yes. नीचे 97, 3% डिस्काउंट, सो 100 माइनस 3%, 97 माइनस 1% ऑफ 97, क्यों अलग आ रहा है? सबको 7.29 आ रहा है, करो, ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक है तुम्हारा, चेक करो कितना मिला, 7.29%। ऑल आर गेटिंग दिस आंसर, सो आई थिंक ये राइट है, तुम जरा कंफर्म करो। यस सर, 7.2। डन? यस सर। चलो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल इधर भी मैं कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूं? मैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूं। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उसका फॉर्मूला हम लोग बाद में करते हैं, थोड़े टाइम की बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा? के पी इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस विल बी प्रेफरेंस डिविडेंड, और नीचे क्या लिखोगे? नेट प्रोसीड इनटू 100। व्हाट इज नेट प्रोसीड? मैं लिखूंगा ही नहीं इधर, बिकॉज आई वॉन्ट अ यूनिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू। नेट प्रोसीड्स क्या है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और अगर इशू प्राइस नहीं दिया है तो टेक द मार्केट प्राइस। दिस रूल इज स्टैंडर्ड फॉर द एंटायर चैप्टर, इसलिए मैं जानबूझ के लिखूंगा नहीं, मैं तुमको भी बोलूं मत लिखो। नेट प्रोसीड एक ही याद रखो, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर इशू प्राइस दिया है तो ले लो, नहीं दिया है तो टेक मार्केट प्राइस, खत्म। समझा कि नहीं समझा? अगर नया डिबेंचर इशू हो रहा है तो इशू प्राइस होगा, समझो एग्जिस्टिंग डिबेंचर का कॉस्ट फाइंड करने को बोला तो आई हैव टू टेक मार्केट प्राइस, आई हैव टू टेक व्हाट? मार्केट प्राइस। ओके, तो हमको कॉस्ट फाइंड करना है। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस होगा तो लेना, नहीं होगा तो मार्केट प्राइस लेना, बात खत्म। अच्छा सर, इधर 1 माइनस t नहीं लिखा, तुमको क्या लगता है प्रेफरेंस डिविडेंड में टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या? विल यू गेट टैक्स बेनिफिट इन प्रेफरेंस डिविडेंड? नो नो नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद आता है, तो इसमें टैक्स बेनिफिट भी हमको नहीं मिलता है। आई होप इट इज क्लियर। हमको टैक्स बेनिफिट इतना ही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसके अंदर। राइट डाउन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लिखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू, that is KP equal to preference dividend divided by net proceeds into 100. That's it. ठीक है, चलो अभी वापस एग्जाम्पल एक करेंगे, ऐसा ही सिंपल सिमिलर एग्जाम्पल करते हैं। लिखो कंपनी wants to issue प्रैक्टिस के लिए, ठीक है थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए हमको फॉर्मूले का, इसीलिए कंपनी वॉन्ट्स टू इशू 12% प्रेफरेंस कैपिटल हैविंग फेस वैल्यू 100 रुपीज, हैविंग फेस वैल्यू 100 रुपीज। फुल स्टॉप। टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, ठीक है।
full stop. Calculate KP. Calculate KP. Calculate KP. If the issue is at, if the issue is, Lego point number one, at par. Number two, tum likho 7% premium. Barabar. Number three likho at 5% discount. ठीक है. Number four likho at 3% premium. And 1.5% flotation cost. And number 5, तुम लिखो at, क्या लिखोगे, 4% discount and 1 rupee flotation cost. 1 rupee flotation cost. ठीक है? चलो, करो solve. चलो एट पार वाले का आंसर बोलो. सबसे पहला आंसर बोलो एट पार 12%. ओके, तो फर्स्ट आंसर इज 12%. ठीक है. सेकंड वाला बोलो 7% प्रीमियम का आंसर बोलो. 7% प्रीमियम का आंसर बोलो 11.21. नीचे क्या आएगा देखो, यहां पे 11.21 सुनना. ऊपर न्यूमरेटर में कितना आने वाला है, 12 रुपया. 12% ऑफ 100, वो तो फिक्स है. बराबर है, वो तो फिक्स है तुम्हारा. और नीचे 7% प्रीमियम, तो नीचे 107 रुपया आएगा. बराबर है, जिसको डाउट है उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ. चलो 5% डिस्काउंट मतलब नीचे 95 आएगा. कितना आएगा बताओ. व्हाट इज द आंसर? 12.63%. 12.63%. चलो डन. फिर 3% प्रीमियम और 1.5% फ्लोटेशन कॉस्ट, क्या आंसर है? 11.83. ओके, 11.83%. अच्छा, तो नीचे क्या लिखोगे तुम? नीचे लिखोगे 103 रुपया माइनस 1.5% ऑफ 103 रुपया. 103 माइनस 1.5% ऑफ 103, नीचे डिनोमिनेटर में. अच्छा, पांचवा 4% डिस्काउंट एंड 1 रुपी फ्लोटेशन कॉस्ट, और नीचे क्या आएगा? 96 माइनस 1 रुपी, नीचे 95 हो जाएगा. आंसर बोलो 12.63%. ओके, चलो. तो ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है. कॉस्ट ऑफ डिवेंचर किया हमने, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस समझा हमने, लेकिन हमने परपेचुअल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर्स, करेक्ट, और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या, रिडीमेबल वाले का बाद में करेंगे. अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो या एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलो. क्या लिखा मैंने? एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर. जो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी से एक्सपेक्ट करेंगे वो कंपनी के लिए कॉस्ट है. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं. नाउ एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न, हमारे पास ज्यादा फॉर्मूलाज हैं. वी हैव मोर फॉर्मूलाज. हमारे पास एक से ज्यादा फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, वी हैव, वी आर गोइंग टू कवर 4 to 5 फॉर्मूलाज. 4 तो है ही, पांचवा एक छोटा सा कैलकुलेशन है, बाद में बता दूंगा मैं तुमको. सर ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि इक्विटी का रिटर्न फिक्स नहीं. डिवेंचर का रिटर्न फिक्स है, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है. प्रेफरेंस का रिटर्न फिक्स होता है, डिविडेंड रेट फिक्स होता है. इक्विटी में फिक्स नहीं है. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. There are different approaches to find out the cost of equity. ठीक है, cost of equity. अच्छा, जैसे सबसे पहले dividend approach.
ओके, यहां पर फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला है हमारा के ई इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड, ये फॉर्मूला है। उसमें के ई तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। डी वन क्या होता है सर? डी वन होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब वो डिविडेंड जो कंपनी देने वाला है, जो दिया वो नहीं देने वाला है, जो कंपनी डिविडेंड देने वाला है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। लेटेस्ट कॉस्ट हमको चाहिए, हमको लेटेस्ट कॉस्ट चाहिए, हमको पुराना कॉस्ट नहीं चाहिए। तो लास्ट डिविडेंड दिया और जो कंपनी डिविडेंड देने वाला है उसमें फर्क हो सकता है, इक्विटी का रेट फिक्स नहीं होता है ना, तो जो कंपनी डिविडेंड देने वाला है वो हमको लेना है। और पी जीरो क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस। क्या बोला मैंने? करंट मार्केट प्राइस। तो पी जीरो क्या है? करंट मार्केट प्राइस है। तो डी वन इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड पी जीरो इज द करंट मार्केट प्राइस। मतलब एक्चुअली नीचे नेट प्रोसीड्स ही है, नीचे नेट प्रोसीड्स ही है। सर कैसे, क्या लिखते हो नेट प्रोसीड में? क्या आता है? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू इज एट मार्केट प्राइस ओनली, और फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो तुमको लिखना ही पड़ेगा, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड्स ही है, इधर भी इधर, राइट? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं के ई इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड डी वन अपॉन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड लिख सकते हैं हम लोग नीचे, नीचे हम लोग नेट प्रोसीड लिख सकते हैं, वही है एक्चुअली। लेकिन दिस इज अ फॉर्मूला गिवन इन द मटेरियल गिवन इन योर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, तो मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ। अच्छा, तो डी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड, सपोज पी, देखो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका ईपीएस समझो ना 15 रुपया, सब कंपनी डिविडेंड दे रहा है समझो इसमें से 10 रुपया, 10 रुपया कंपनी डिविडेंड दे रहा है, अर्निंग पर शेयर 15 रुपया है और उसमें से 10 रुपया कंपनी डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। ये कंपनी का शेयर का भाव मार्केट में चल रहा है समझो 150 रुपया, सपोज 150 रुपया चल रहा है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारे कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम लोग, देखो तो यहाँ पे के ई लिखेंगे हम लोग, के ई इक्वल टू 10 रुपये का डिविडेंड, बराबर है, और 150 रुपये का शेयर है समझो। तुम्हारे शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सपोज यू आर अ शेयर होल्डर, तुम ये शेयर खरीदोगे कितने में? शेयर होल्डर के एंगल से देखते हैं 150 रुपये में, क्योंकि मार्केट में जो भाव है वही मिलेगा तुमको। तो तुमने 150 रुपये में शेयर खरीदा या खरीदोगे तो 10 रुपया डिविडेंड मिल रहा है। तो 150 पे 10 रुपया मतलब तुम्हारा रिटर्न कितना हुआ, कितना आएगा ये 6.66%, ये तुम्हारा रिटर्न हुआ। दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो तुम जो एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न, वो कंपनी के लिए कॉस्ट होता है। चलो कंपनी के एंगल से बात करते हैं, हम लोग कंपनी के एंगल से बात करते हैं। कंपनी नया शेयर इश्यू करेगा क्या भाव में? मार्केट प्राइस। क्या भाव में? मार्केट प्राइस में। तो 150 रुपये में कंपनी शेयर इशू करेगा, नीचे 150 रुपया देखो डिनोमिनेटर में, बराबर, ये देखो 150 रुपया, और कंपनी को 10 रुपया डिविडेंड देना है, वो फेस वैल्यू पे देना है। तो कंपनी के एंगल से सोचोगे तो 150 रुपया मिल रहा है कंपनी को, या उसका शेयर का भाव है 150 रुपया, नया शेयर इशू किया तो 150 में इशू होएगा, बराबर ना। तो 150 रुपया इशू प्राइस और उसके ऊपर 10 रुपया डिविडेंड देना है, तो कंपनी के लिए कॉस्टिंग कितना आता है? 6.67, बराबर है, अंडरस्टूड? तो तुम कंपनी के एंगल से देखो या शेयर होल्डर के एंगल से देखो, व्हाट इज के ई डी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड, ये कौन सा अप्रोच है? डिविडेंड अप्रोच। ये जो फॉर्मूला हमने किया ना, वो मैथमेटिकली और एक तरीके से भी प्रूव हो सकता है, और एक तरीके से भी प्रूव हो सकता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। वो एक्चुअली हम लोग फाइनल सी ए में करते हैं, इंटर में उसकी जरूरत नहीं होती है, वी डोंट डिस्कस दैट इन इंटर, लेकिन एक बार मैं तुमको डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। रुको, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, चलो दूसरा फॉर्मूला, अर्निंग अप्रोच। अर्निंग अप्रोच ये क्या है सर? के ई इक्वल टू ई वन एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड। तो ई वन क्या है? एक्सपेक्टेड ईपीएस। डी वन मतलब क्या? एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और ये एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर।
मतलब अगर मैं यहां बात करूं ये एग्जांपल में, तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, समझो मैं शेयर होल्डर हूं, मैं शेयर खरीदना चाहता हूं सपोज, तो मैं 150 रुपये में शेयर खरीदूंगा और कंपनी मुझे 15 रुपया अर्निंग पर शेयर दे रहा है। देखो ये 10 रुपया डिविडेंड दिया कंपनी ने, तो बाकी का 5 रुपया नहीं दिया, ये मेरा ही तो है, शेयर होल्डर का ही है ना वो पैसा, वो कहाँ जाएगा? बाकी का 5 रुपया कहाँ जाएगा? रिजर्व इन सरप्लस में जाएगा। लेकिन ये बाकी का 5 रुपया शेयर होल्डर का ही है। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 150 रुपये में मैंने शेयर खरीदा और मुझे 15 रुपया मिलेगा, 10 रुपया डिविडेंड अभी मिलेगा, 5 रुपया बाद में मिलेगा, तो मिलेगा तो सही ना, मेरा ही पैसा है वो। ईपीएस बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है? ईपीएस किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है ना। तो यहां पर मैं ऐसे सोच सकता हूं, 150 रुपये में शेयर खरीदूंगा तो 15 रुपया मेरा कमाई है, हम ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है? तो ये कितना आता है? 10%। तो 10% इज व्हाट? माय के। अभी ये मत सोचो सर ये सही है कि ये सही है, दोनों करेक्ट है, दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्वेश्चन में कौन सा करना है सर? क्वेश्चन विल टेल यू, डोंट वरी, क्वेश्चन से पता चलेगा अपने को, वी विल कम टू नो इन द क्वेश्चन, डोंट वरी। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है मत सोचना, बोथ आर राइट। क्या बोला मैंने? बोथ आर राइट, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा अर्निंग अप्रोच। कंपनी के एंगल से देखते हैं, चलो कंपनी नया शेयर इशू करेगा 150 में, क्योंकि मार्केट प्राइस 150 चल रहा है, तो कंपनी नया शेयर इशू करेगा 150 में और कंपनी को शेयर होल्डर को 15 रुपया ईपीएस देना है, उसमें से 10 रुपया कंपनी डिविडेंड अभी दे रहा है, 5 रुपया बाद में देगा, लेकिन देगा ना, वो भी तो इक्विटी का ही है, ठीक है? तो ये अर्निंग पर शेयर वाला अप्रोच है, अर्निंग पर शेयर से हम लोग फाइंड आउट कर, ठीक है? ओके, नाउ थर्ड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ थ्री, चार फॉर्मूला मैं कर रहा हूं, ठीक है? चौथा वाला बाद में करेंगे, अभी हम लोग तीन ही करेंगे सर, चौथा फॉर्मूला बाद में करेंगे, अभी हम लोग तीन फॉर्मूला करेंगे, फिर उस पर सम्स करते हैं, ठीक है? चलो, तो अर्निंग अप्रोच हो गया, उसके बाद डिविडेंड, चौथा फॉर्मूला बाद में करेंगे, डिविडेंड प्लस ग्रोथ, डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम? डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच, ओके। अब यहां पे शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन क्या है, शेयर होल्डर क्या सोचता है, ये क्या अलग पॉइंट ऑफ व्यू? देखो शेयर होल्डर क्या सोचता है, शेयर होल्डर बोलता है कंपनी को, तुमने ईपीएस कमाया 15 रुपया, उसमें से 10 रुपया हमको अभी दिया, चलो ठीक है, हैप्पी, वी आर हैप्पी, ये बाकी का 5 रुपया रिटेंशन है, रिटेन अर्निंग रिटेंशन है वो, बाकी का 5 रुपया रिटेंशन बोलते हैं, रिटेंशन, रिटेन अर्निंग, बराबर है? अच्छा, तो शेयर होल्डर बोलते हैं ये 5 रुपया है ना, तू मुझे अभी नहीं दे रहे हो, मत दो, चलेगा, लेकिन मुझे ना इस पे ग्रोथ चाहिए, ये पैसा रीइन्वेस्ट होना चाहिए, सॉरी, ये पैसा रीइन्वेस्ट होना चाहिए, और वो रीइन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे ग्रोथ चाहिए, आई नीड अ ग्रोथ इन माय बिजनेस, बराबर है? 15 में से 10 रुपया दे रहे हो, आई एम हैप्पी, बाकी का 5 रुपया नहीं दे रहे हो, ठीक है, मुझे उसको पे ग्रोथ चाहिए, तुम उसको रीइन्वेस्ट करो। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी उसको रीइन्वेस्टमेंट करे और उस पर कुछ कमाए, तो ये अप्रोच में वैसा फॉर्मूला। देखो क्या फॉर्मूला है, इधर फॉर्मूला ऐसा है, के ई इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। सर ये तो यही सेम हो गया, हाँ मैंने कब ना बोला, ये पार्ट सेम है, ये और ये सेम है, देखो सेम है, ये पार्ट तो मैंने उतना ही लिखा है, करेक्ट? अच्छा आगे प्लस प्लस दी ग्रोथ, मतलब अगर मैं ये एग्जांपल की बात करूं, मैं ये एग्जांपल की बात करूं इधर, तो मुझे चाहिए के ई, बराबर है? तो डी वन मतलब डिविडेंड कितना, 10 रुपया अपॉन पी जीरो, प्राइस कितना है, शेयर प्राइस 150 रुपया, ये एग्जांपल में, इंटू 100, ये तो वही आ गया, 6.67 ही आ गया, ये तो 6.67 ही आ गया, प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कितना समझो ना, 5% है सबको, तो प्लस 5% अलग से ग्रोथ रेट ऐड होएगा,
6.67 प्लस 5% कितना आएगा ये 11.67%। अब सवाल उठता है सर ये ग्रोथ रेट क्या है, कैसे मिला वो ग्रोथ रेट, हाँ उस पर बात करता हूँ, आई विल डिस्कस दैट। चलो लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्मूला था वही आंसर है, ये फर्स्ट वाला ही है, सेम है, ये सेम है, प्लस अलग से मैं ग्रोथ रेट ऐड कर रहा हूँ 5%। 5% कहाँ से मिला वो मैंने ऐसे ही लिखा है, लेकिन उसको कैसे डिराइव करते बताता हूँ। चलो देखो अभी तक लो क्या ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इट इज रिटेंशन, रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। आई होप यू आर नॉट राइटिंग, तुम खाली सुन रहे हो अभी, ठीक है, रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रोथ रेट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रोथ। ओके, अभी इसको समझने के लिए देखो, वैसे तो नॉर्मली ग्रोथ रेट वो लोग दे देते हैं, कभी कभी ग्रोथ रेट हमको भी निकालना पड़ता है, वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट समटाइम, तभी ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, सर व्हाई इट इज कॉल्ड रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नहीं समझेगा, वी हैव टू टेक एन एग्जांपल। तो देखो सपोज तीन कंपनी है, चलो तीन कंपनी है, मैं इधर लिखता हूं, तीन कंपनी है, कंपनी का नाम है से एक्स लिमिटेड, Y लिमिटेड एंड Z लिमिटेड, बराबर। तो ऐसा तीन कंपनी लेता हूं मैं, तीन कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तीनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट पर शेयर, चलो इन्वेस्टमेंट पर शेयर, इन्वेस्टमेंट पर शेयर में लेता हूं समझो 1000 रुपया, तीनों शेयर में, तीनों कंपनी में 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसका, शेयर होल्डर का, समझो ना, ऐसे 1000 रुपया मैंने रफली लिया, मैंने कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे पे जो कमाता है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे पे जो कमाता है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, बराबर है। मैं कंपनी हूं, तुम लोग तुम्हारा पैसा मुझे देते हो, बराबर है, मैं वो पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तुम जो मेरे से एक्सपेक्ट करते हो वो केई होता है, केई, हम लोग केई फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूं और जो रेट कमा के देता हूं उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट करता है और कमाता है, तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे पे कमाता है, समझो तीनों कंपनी 10% कमाता है, क्या बोला मैंने, तीनों कंपनी 10% कमाता है, बराबर है। तो फिर ईपीएस कितना आएगा, ईपीएस आएगा तीनों कंपनी का 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर 10%, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, चलो बराबर है, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया लिया मैंने, तीनों का सेम लिया। अभी देखो, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं रिटेंशन, रिटेंशन क्या होता है सर, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने शेयर होल्डर को नहीं दिया, नहीं दिया बोला मैंने, क्या बोला मैंने, नहीं दिया। तो देखो समझो कंपनी एक्स का रिटेंशन रेशियो 0%, सर 0% मतलब, अरे 0% मतलब कंपनी पूरा का पूरा 100 रुपया डिविडेंड दे देते हैं, शेयर होल्डर को बोलते हैं जा डिविडेंड पूरा 100 रुपया मजा कर पैसा, ठीक है। तो 0% रिटेंशन मतलब 100% पे आउट, पूरा 100 रुपया डिविडेंड, बराबर है। समझो वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड में रिटेंशन है समझो 100%, चलो 100% रिटेंशन, पूरा का पूरा 1 रुपया डिविडेंड नहीं देता है कंपनी, वाई लिमिटेड डिविडेंड देता ही नहीं, 100% रिटेंशन मतलब 0% पे आउट, बराबर है। और जेड लिमिटेड समझो ना 50% रिटेंशन है, मतलब जो कमाता है उसका आधा डिविडेंड देता है और आधा रिटेन करता है, मतलब रीइन्वेस्ट करता है, रिटेन करता है मतलब क्या, वो प्रॉफिट को कंपनी वापस धंधे में इन्वेस्ट करते हैं, बराबर है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो ईपीएस इसमें से डिविडेंड देता हूं, ठीक है, मैं डिविडेंड दे रहा हूं, देखो डिविडेंड दे रहा हूं, मैंने क्या बोला 0% रिटेंशन,
मतलब पूरा का पूरा 100 रुपया डिविडेंड, तो क्या बच गया, 1000 रुपया बच गया। यहाँ पे 100% रिटेंशन मतलब नो डिविडेंड, 1 रुपया डिविडेंड नहीं दिया, तो 1000+ ईपीएस कमाया ना हम लोग ने, तो इक्विटी का वैल्यू बढ़ गया, मतलब इक्विटी का फंड बढ़ गया, 1100 हो गया। अच्छा अभी इधर क्या, 50% डिविडेंड मतलब 100 रुपये में से 50 रुपया डिविडेंड दिया, तो 1000+100 तो ये कितना आएगा, 1050 आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं तुमको ग्रोथ रेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताता हूँ कैसे आएगा, बताता हूँ। अच्छा अभी अगले साल, अभी नेक्स्ट ईयर वापस कंपनी ईपीएस कमाएगा। इक्विटी का पैसा कितना है, इधर 1000 है, इधर 1100 है और इधर 1050 है, उस पर कंपनी 10% कमा रहा है, बराबर है, पे कंपनी 10% कमाता है। अभी देखो रेट ऑफ अर्निंग 10, तो एक्स लिमिटेड का वापस 100 रुपया आएगा, 1000 पे 10%, इधर 1100 पे 10%, तो 110 आएगा और इधर 105 आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1100, 10% ऑफ 1050, बराबर है। चलो डिविडेंड पर शेयर, एक्स लिमिटेड डिविडेंड कितना देता है, 0% रिटेंशन, 100% डिविडेंड, पूरा का पूरा 100 रुपया डिविडेंड, वापस इसका 1000 ही रहता है, बराबर। अच्छा इधर कितना है, 100% रिटेंशन, 0% पे आउट, 1 रुपया डिविडेंड ही देता है कंपनी, तो ये कितना आएगा, 1210, बराबर है। अच्छा इधर 50% रिटेंशन, 50% पे आउट, आधा पे आउट, ठीक है, तो कितना आता है, एक माइनस करो, 1050 माइनस 105, सॉरी प्लस 105 माइनस आधा डिविडेंड, मतलब कितना आएगा, 52.5 आएगा ना, माइनस बोलो कितना आएगा फिर, 1050 प्लस 105 माइनस 52.5 बोलो कितना आएगा, 1102.5, ठीक है। अब मैं एक अर्निंग और लेता हूँ, ठीक है, प्लस ईपीएस, चलो वापस 10% कमाता है कंपनी, तो 1000 पे 10%, 1210 पे 10%, फिर इधर क्या है, 1105, है ना, ऐसे चलता रहेगा। अभी ग्रोथ अर्निंग्स में होता है, ग्रोथ मतलब क्या, ग्रोथ इन अर्निंग्स, कंपनी का ग्रोथ अर्निंग्स में होता है, सुनना भी। तुम देखो एक्स लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर कितना था, 100 रुपया था, 100 रुपया है, 100 रुपया ही रहेगा, मतलब ग्रोथ है कि नहीं है, नहीं है, ग्रोथ नहीं है, उसका प्रॉफिट बढ़ ही नहीं रहा है, नो ग्रोथ। अच्छा वाई लिमिटेड का ईपीएस 100 का 110 हुआ, कितना टका बढ़ गया, सोचो कितना टका बढ़ गया, 10%, तो 10% तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है। अच्छा फिर 110 से 121 हो गया, 110 से 121, वापस 10% इंक्रीज हुआ, yes, sir. तो इसका 10% ग्रोथ हो रहा है। भी जेड लिमिटेड की बात करते हैं, ठीक है, 100 का 105, तो 5% बढ़ गया, yes, sir. फिर 105 से लेकर 110, 105 से लेकर 110.25, कितना टका ग्रोथ है, देखो व्हाट इज द ग्रोथ रेट, डिफरेंस डिवाइड बाय 105, टेल मी, डिफरेंस डिवाइड बाय 105, तो इसका ग्रोथ 5% आ रहा है। अभी ये क्या, इसको बोलते हैं ग्रोथ, दिस इज ग्रोथ, ये ग्रोथ रेट उसमें ऐड करते हैं हम, शेयर होल्डर ही एक्सपेक्ट करते हैं। अब जरा सोचो ये इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हर बार, तो हम लोग क्या करेंगे, वी डू लाइक दिस, इसलिए मैं लिखता हूं ग्रोथ रेट इक्वल टू रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, समझा, ये देखो अभी इधर ग्रोथ रेट, इधर रिटेंशन कितना है, 0%, एक्स में ऊपर देखो ना, रिटेंशन 0% इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 10% को 0.1 लिखता हूं, तो ये तो जीरो ही आएगा ना, यस, रिटेंशन 0% और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% मतलब 0.1। अच्छा इधर ग्रोथ रेट क्या है, रिटेंशन क्या है तुम्हारा, 100%, 100% मतलब 1 होता है, 1 100% मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय
रिटर्न ऑन इक्विटी 10% बोला तो 0.1 लिखने का, 0.1 तो क्या आंसर आएगा ग्रोथ रेट 0.1 मतलब कितना परसेंट होता है वो 10%। हाँ तो 10% ग्रोथ है ना उसके अंदर। अच्छा इसका ग्रोथ कितना है 5%, तो कैसे आएगा देखो रिटेंशन 50% है, देखो ऊपर 50% मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी 10% मतलब 0.1 10% मतलब 0.1 तो कितना आएगा ये 0.05 आएगा ना, करके देखो मल्टीप्लाई बराबर है 0.05 मतलब कितना आता है वो 5%। अरे समझा कि नहीं, 5% आता है। यस सर। तो ग्रोथ रेट का ये फॉर्म, ये शॉर्टकट है, तुमको मैंने लॉन्ग कट समझाया, ये शॉर्टकट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे ग्रोथ रेट इक्वल टू रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जो फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय अ पर्सन कॉल्ड एज गॉर्डन। क्या नाम था उसका? गॉर्डन। गॉर्डन्स मॉडल है वो, गॉर्डन्स मॉडल। अभी ये अज्यूम करता है कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा, मतलब 10% बढ़ता ही रहेगा। अगर 5% है तो 5% बढ़ता रहेगा। लेकिन सर ये तो गलत है। हाँ प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली 10% ही बढ़े, कंटिन्यूसली 5% ही बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये अजम्पशन नहीं किया तो फॉर्मूला काम नहीं करता है। इन शॉर्ट इट्स एन अजम्पशन दैट द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। ओके तो ये तीन फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूलाज है जिसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। तीसरे वाले में ग्रोथ रेट कैसे मिलता है? रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने बोला मैथमेटिकली इसको डिराइव कर सकते हैं कोई दूसरे तरीके से, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूं। ठीक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, या तो अभी डिस्कस करूं मैं। क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर हम लोग ग्रोथ रेट को रिटेंशन अपॉन आरओसी नहीं कर सकते। चलो नाउ यू डू वन थिंग, यू राइट दीस फॉर्मूलाज इन योर बुक। कम ऑन, राइट डाउन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। कॉपी करो और ये लिखने का जरूरत नहीं है, डोंट राइट दिस। ये तो हम लोग सम्स करने ही वाले, ये मत लिखना। ये हम लोग सम्स तो करने ही वाले बाद में। फॉर्मूलाज कॉपी कर लो खाली। कम ऑन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सर इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा? द मोस्ट अप्रोप्रिएट आउट ऑफ द 3 इज द 3rd वन। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो फिर 3rd वाले से ही सॉल्व कर देने का। यस, क्वेश्चन में पता चल जाएगा हमको, उसका टेंशन मत ले। वी विल सी इन द क्वेश्चन। ओके करेंगे तो बताऊंगा। चलो अभी फॉर्मूलाज तीनों कॉपी करो पहले। तीनों फॉर्मूलाज कॉपी करो। यू हैव टू कॉपी दिस ऑल्सो, कॉपी दिस ऑल्सो। ओके ये कॉपी कर लो, बाद में तुमको काम आएगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। कॉपी कर लेना ये भी। ओके अब ये देखो तुम, लिसन, मैंने बोला था ये जो फॉर्मूलाज है इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है। दिस इज एक्चुअली अंडरस्टूड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग। क्या बोला मैंने? डिस्काउंटिंग। तो देखो खाली तुमको मैं अभी बताता हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्यूटी, ये कॉन्सेप्ट था जो तुमने सीए फाउंडेशन में सीखा था मैथ्स में। ठीक है,
ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज होता है, बाद में फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, ये सब था ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। देखो अभी तुमने ग्रोथ रेट का जो भी फॉर्मूला था हमारा, ये ग्रोथ रेट वाला देखो फॉर्मूला, ठीक है, ये D1 अपॉन KE माइनस G, ये तुमको दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये इसी फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये हम लोग ना बाद में समझेंगे, व्हेन यू डू सम डिस्काउंटिंग कैलकुलेशंस के बाद तुमको ये समझ में आएगा। तो मैं तुमको एक बार बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, लेकिन खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि हमने जो फॉर्मूला भी किया है ना, उसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, खाली इतना तुमको बता रहा हूँ, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, समझ में नहीं आएगा तुमको, ठीक है, खाली तुमको बता रहा हूँ कि ये डिराइव करेंगे मैथमेटिकली बाद में, कभी बाद में, अभी नहीं। अभी फिलहाल हमारे पास जो लॉजिक है, मैंने तुमको समझाया, वो लॉजिक से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तीन फॉर्मूला है, मेनली तो हम तीसरा फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, मोस्टली वही यूज़ होता है, और एक फॉर्मूला है जो हम बाद में करने वाले हैं, एज आई टोल्ड यू, ओके, और एक फोर्थ फॉर्मूला है, थोड़े टाइम के बाद समझेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, कम ऑन। चलो सर, ये पीडीएफ भेजो ना। ओके, सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो। शेयर्स ऑफ सेंचुरी टेक्सटाइल लिमिटेड आर सेलिंग एट 20 रुपीज पर शेयर, मतलब ये तुम्हारा करंट मार्केट प्राइस है, P0 ही है। इट हैड पेड 2 रुपीज डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, D1 क्या बोला मैंने, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो कंपनी देने वाला है, वो लिखते हैं हम लोग। ये डिविडेंड देने वाला नहीं, कंपनी दे चुका है, लास्ट ईयर कंपनी डिविडेंड दे चुका है, तो आने वाले साल में डिविडेंड थोड़ा ज्यादा देगा कंपनी, कंपनी विल गिव मोर डिविडेंड। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी इज अप्रोक्सीमेटली 5%, ठीक है। लास्ट डिविडेंड 2 रुपया था, तो उसमें थोड़ा सा डिविडेंड कंपनी अभी ज्यादा देगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है ना कंपनी का, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो डिविडेंड भी कंपनी ज्यादा देगा। इधर देखो ना, ये हमने डिविडेंड भी बढ़ाया था, ये देखो 100 रुपये का, इधर जिसमें ग्रोथ है इसमें देखो 50 रुपये का डिविडेंड था, 52.5 डिविडेंड भी बढ़ाया था ना मैंने, देखो डिविडेंड भी बढ़ेगा, बराबर है, अगर ग्रोथ है तो डिविडेंड का पेमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इधर देखो 50 रुपये का डिविडेंड था, अगले साल 52.5 हो गया, ओके, सो व्हेन देयर इज अ ग्रोथ डिविडेंड फिगर विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। कंपनी सिंपल लॉजिक है, कंपनी ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा डिविडेंड देगा, कंपनी अगर ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा डिविडेंड देगा पैसा। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, के ई फाइंड करो। नंबर 2, डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट राइजेस टू, ग्रोथ रेट बढ़ जाता है 8%, ग्रोथ रेट गिर जाता है 3%, इग्नोर डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स हमको वैसे भी इग्नोर करना है, अभी हमने डिस्कस किया था क्योंकि अभी वो निकल गया है। डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अज्यूमिंग ग्रोथ रेट ऑफ 20%, आर यू सेटिस्फाइड विद योर कैलकुलेशन, वो थर्ड पार्ट के लिए पूछा है। सर ऐसा क्यों लिखा है, आर यू सेटिस्फाइड विद द कैलकुलेशन, देखना तुम बाद में समझ में आएगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो समझ में आएगा, देखो, ठीक है। चलो अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, के ई। चलो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई। के ई का फॉर्मूला क्या है हमारा, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस द ग्रोथ रेट, दिस इज द फॉर्मूला, बराबर है। D1 मतलब क्या, जो डिविडेंड कंपनी देगा। अच्छा, लास्ट डिविडेंड कितना दिया था कंपनी ने, 2 रुपया दिया था, देखो इट हैड पेड लास्ट ईयर, तो 2 रुपया डिविडेंड दिया था कंपनी ने। अभी 5% ग्रोथ बोला है, तो मैं 5% ऑफ 2 रुपया ऐड कर देता हूँ, तो थोड़ा डिविडेंड कंपनी ज़्यादा देगा अभी ऐसा। नीचे P0 मतलब क्या, वो नेट प्रोसीड्स ही होता है, रिमेंबर इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस नहीं दिया है तो टेक मार्केट प्राइस, P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है कंपनी का, 20 रुपया शेयर का, 20 रुपया दिया हुआ है, इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट 5% अलग से तुमको शेयर होल्डर को चाहिए, वो अलग ही रखो उसको, वो ऐड कर देना लास्ट में,
तो बोलो इसका आंसर कितना आता है, बोलो 2+5% ऑफ 2 मतलब 2.1 आता है. 2.1 डिवाइड बाय 20 इनटू 100 कितना आता है वो 10.5% प्लस ये 5% तो 15.5% आंसर हुआ फिर, बराबर है. ये है तुम्हारा के, दिस इज योर के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, करेक्ट. ओके अभी मेरी बात सुनो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पैटर्न. ग्रोथ रेट कितना था 5% था, D1 कितना उसमें ग्रोथ रेट ऐड करके मैंने डिविडेंड लिखा. अभी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है पढ़ो. डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर प्राइस एस्टिमेट करो, अंदाजा लगाओ शेयर प्राइस का. अभी शेयर प्राइस कितना है 20 रुपया, वो अपने को पता है अभी शेयर प्राइस 20 रुपया है. ओके जो कंपनी डिविडेंड देने वाला है D1 वो कितना था 2 रुपीज प्लस 2.1, वो हमने एस्टिमेट किया था. के ही फाइंड आउट किया हमने, के ही कितना है 15.5%. तो अभी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन 15.5% है. लेकिन समझो क्या बोल रहे हो, इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट राइजेस टू 8%, समझो ग्रोथ रेट 8% हो जाता है सपोज, तो शेयर प्राइस क्या होना चाहिए 8% ग्रोथ पे, शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन. देखो शेयर का प्राइस क्या है वो तो मार्केट में पता चलेगा ना, एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या होता है वो तो स्टॉक मार्केट में जो भाव चल रहा है वो होता है. हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं शेयर प्राइस का कि अगर ग्रोथ रेट 8% है तो शेयर का भाव क्या होना चाहिए, क्या है नहीं, क्या है वो तो अभी 20 रुपया हमको मालूम है, अभी तो मालूम है ना 20 रुपया है, कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए अगर 8% ग्रोथ होगा तो, ठीक है वो पूछा है. अच्छा उसके लिए पहले ना अपने को ये फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ. देखो हमारा फॉर्मूला क्या है इधर, के ई इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस दी ग्रोथ रेट, ये अपना फॉर्मूला है. तो मैं क्या करता हूँ के ई माइनस ग्रोथ रेट लिखा, इधर डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 लिख दिया, फिर मैं क्या करता हूँ पी जीरो यहाँ लिखता हूँ, तो डी वन अपॉन नीचे के ई माइनस जी, बराबर है. तो यहाँ पे मैं शेयर प्राइस एस्टीमेट कर रहा हूँ, इधर मैं शेयर प्राइस एस्टीमेट कर रहा हूँ, एस्टीमेटेड शेयर प्राइस क्या शेयर प्राइस होना चाहिए, ठीक है. अगर कंपनी का इतना डिविडेंड है, कंपनी ये रेट से ग्रो करेगा तो शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए वो मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. अंदाज़ा लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. मैंने तुमको इधर वही समझाया था, देखो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला, कैन यू सी, ये देखो डी वन अपॉन के ई माइनस जी दिख रहा है तुमको, डी वन अपॉन के ई माइनस जी, बराबर है, यही लिखा है. देखो डी वन अपॉन यही आ गया, देखो डी वन अपॉन के ई माइनस जी, ठीक है. चलो अभी इसके अंदर दो पार्ट है, अगर ग्रोथ रेट 8% है तो. अच्छा कैलकुलेशन बाद में, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, क्या तुमको लगता है बताओ, अगर अभी ग्रोथ रेट 5% है, समझो आगे जाके कंपनी ने 8% से ग्रो किया, सपोज ग्रोथ रेट ज्यादा है, सपोज जो सोचा उससे ज्यादा ग्रोथ मिल रहा है अगर, तो शेयर का भाव बढ़ेगा कि कम होएगा, क्या लगता है तुमको? बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ना. अरे जो कंपनी हायर रेट से ग्रो करेगा, अच्छा ग्रोथ दे रहा है, अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ दे रहा है तो क्या शेयर का भाव गिरेगा, तो बढ़ेगा ना, ज्यादा ही होना चाहिए. अभी शेयर प्राइस कितना है 20 रुपया, अभी शेयर प्राइस 20 रुपया, बराबर है. ग्रोथ रेट 5% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है तुमने, अगर समझो 8% पे ग्रो करेगा तो 20 रुपये से ज्यादा आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लॉजिकली तो आएगा. देखते हैं, चलो देखते हैं. तो क्या फॉर्मूला है हमारा, एस्टिमेटेड शेयर प्राइस इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी इंटू 100, वो ठीक है, ठीक है. तो चलो डी वन लास्ट डिविडेंड 2 रुपया था, लेकिन अगर 8% ग्रोथ है तो 8% ऑफ 2 करो, नीचे के कितना है तुम्हारा 15.5% है, माइनस ग्रोथ रेट कितना है 8% है इंटू 100, इसको सॉल्व करो आंसर बोलो, सॉल्व करो आंसर बोलो 28.8 रुपीज, हाँ ये रुपीज है, शेयर का प्राइस है ये 28.8 रुपीज,
मिला सबको 28.8 रुपीस, मतलब शेयर का भाव 28.8 रुपीस हो सकता है। 8% के हिसाब से ये शेयर प्राइस होना चाहिए। अभी शेयर का प्राइस 20 रुपया है, मतलब शेयर का भाव मार्केट में कम चल रहा है, इट इज अंडर वैल्यूड। अगर ग्रोथ रेट 8% होगा ना तो शेयर का भाव बढ़ेगा बढ़ेगा, तो क्या करना चाहिए सर? अभी बाई कर सकते हो, तो अभी तुम शेयर बाई कर सकते हो। ओके, ऐसे बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन लिए जाते हैं। सर ये गॉर्डन का फॉर्मूला एकदम सही होता है हर बार? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट टू एस्टिमेट द शेयर प्राइस। अपना एक दूसरा चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी, उसमें दूसरे के भी फॉर्मूले, जैसे वॉल्टर है, वॉल्टर का फॉर्मूला है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू एस्टिमेट द शेयर प्राइस, क्योंकि इक्विटी प्राइस सब उस पर ही होता है। डिबेंचर प्रेफरेंस पे कोई ज़्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, जो फॉर्मूलाज है सब इक्विटी पे है, क्योंकि इक्विटी शेयर का प्राइस फिक्स नहीं होता है ना। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा ग्रोथ एट 8%। नाउ यू कैलकुलेट एट 3%। चलो करो, समझो ग्रोथ रेट 3% है, ग्रोथ रेट फॉल्स टू 3%, मतलब माइनस मत लिखना, ग्रोथ ही है लेकिन 8% ग्रोथ के बदले 3% ग्रोथ है, कम ग्रोथ है। चलो करो, तो शेयर प्राइस तुम्हारा 20 के नीचे आना चाहिए, क्योंकि 5% ग्रोथ दिया था ओरिजिनली। अगर ग्रोथ 5% से गिर के 3% ग्रोथ, ग्रोथ है लेकिन 3% ग्रोथ है, तो शेयर का भाव 20 रुपये से कम आना चाहिए। आंसर करो, टू सॉल्व करो, देखो कितना आता है। व्हाट इज द आंसर? देखो क्या मिल रहा है, ग्रोथ है लेकिन 3% करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड, 16। मैम सीन द आंसर चैट बॉक्स में, आंसर देख रहा हूँ, आंसर राइट आ रहा है तुम्हारा। तो एस्टिमेटेड शेयर प्राइस तुमको मिल रहा है, एस्टिमेटेड शेयर प्राइस तुमको मिल रहा है 16.48 रुपीस। चलो करेक्ट है, करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। तो अभी थर्ड पार्ट, एक और पार्ट है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अज्यूमिंग ग्रोथ रेट 20%। ग्रोथ रेट अभी 20% लेने को बोल रहे हो, आर यू सेटिस्फाइड विद योर कैलकुलेशन? सेम कैलकुलेशन करना है लेकिन ग्रोथ रेट 20% लो, करो क्या आएगा बताओ? सेम कैलकुलेशन लेकिन ग्रोथ रेट 20% करो, सेम कैलकुलेशन लेकिन ग्रोथ रेट 20%। सॉल्व, तो तुम्हारा फॉर्मूला एस्टिमेटेड शेयर प्राइस क्या आएगा? डिविडेंड 2 रुपया प्लस 20% ऑफ 2 रुपया अपॉन के कितना है तुम्हारा? 15.5% है और ग्रोथ रेट 20% इनटू 100। व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? So, denominator negative हो जाएगा। What happened? So, denominator getting a negative answer. Correct, correct. Yes. Negative answer. What is the answer? Negative क्या आ रहा है? 53.33 रुपीस। You're getting 53.33 रुपीस। अभी मिला सबको, मेरे ख्याल से मिल गया होगा। Yes, sir. सोच के बोलो, क्या share price कभी negative होता है क्या? नहीं। Share का भाव कभी negative हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। शेयर का भाव कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है भाई, नॉट पॉसिबल। शेयर का प्राइस नेगेटिव कैसे होएगा? नॉट पॉसिबल। हाँ, गिर गिर के जीरो भी नहीं होता है। लेट मी टेल यू, शेयर प्राइस कभी जीरो भी नहीं होएगा। शेयर प्राइस गिर गया तो भी कितना गिरेगा? ओके, जैसे बहुत सारे शेयर्स हैं, समझो वोडाफोन था, वो भी गिरा तो 5-6 रुपये पे आया था कुछ। यस बैंक आया था 5-6 रुपये में, लेकिन जीरो थोड़ी होएगा वो, समझ रहे? अच्छा, तो
नेगेटिव शेयर प्राइस नहीं हो सकता है, मतलब ये गॉर्डन का फॉर्मूला काम नहीं करता है व्हेन द ग्रोथ रेट इज मोर देन के। देखो ये जो फॉर्मूला है क्या अज्यूम करता है, ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है, बराबर है, ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है तो 20% ग्रोथ बहुत ह्यूज ग्रोथ है, और ये फॉर्मूला क्या अज्यूम करता है, परपेचुअल ग्रोथ मतलब 10% 10% 10% 10% है, तो ये कंपनी 20% 20% इतना एबनॉर्मल ग्रोथ लंबा समय तक नहीं पॉसिबल, ये बहुत ज्यादा है ग्रोथ रेट। ओके, मैथमेटिकली बात करो, लॉजिकली मैंने बात किया कि इतना हैवी ग्रोथ रेट लंबे समय तक परपेचुइटी तक मिलता नहीं है, बराबर, मैथमेटिकली बात करेंगे तो अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है, के ई माइनस जी है ना, के ई माइनस जी है, तो अगर समझो ग्रोथ रेट इज मोर देन के ई कॉस्ट, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, काम नहीं करता है। क्या बोला मैंने, अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है, के ई कम है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर इज 15.5% एंड कंपनी इज गिविंग एबनॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ 20%, इज नॉट पॉसिबल। एक आध बार आ सकता है लेकिन परपेचुइटी तक 20% 20% 20% ग्रोथ नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, कब फेल हो जाता है, व्हेन के ई इज लेस एंड ग्रोथ रेट इज मोर, दिस फॉर्मूला विल नॉट गिव यू द आंसर। तो शेयर प्राइस एस्टिमेट करना है तो सर पहली बात तो इतना ग्रोथ होएगा ही नहीं, और शेयर प्राइस एस्टिमेट करना है तो दूसरे फॉर्मूलाज है अपने पास, वो डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में देखेंगे, ये काम नहीं करेगा अपना फॉर्मूला। लिखो फ्रीडम, देखो गॉर्डन्स मॉडल विल फेल टू एस्टिमेट द शेयर प्राइस, गॉर्डन्स मॉडल फेल्स टू एस्टिमेट द शेयर प्राइस, फेल्स टू एस्टिमेट द शेयर प्राइस वेयर ग्रोथ रेट इज मोर देन के ई, वेयर ग्रोथ रेट इज मोर देन के ई, growth rate is more than KE. So stop. Hence, we are not satisfied with the calculation. इसलिए पूछा था उधर, are you satisfied with the calculation? No, we are not satisfied. Negative answer आ रहा है, formula काम नहीं कर रहा है अपना, इसलिए उसने पूछा था, देखो लिखा था ना इधर, क्या लिखा था लास्ट में, are you satisfied with the calculation? लिखो no. Hence, we are not satisfied with the calculation. बराबर है, क्यों, शेयर प्राइस नेगेटिव आ ही नहीं सकते। ओके चलो डन, अभी 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 तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, योर कंपनी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹20 करंटली, ये मार्केट प्राइस है P0, द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर, कंपनी एक रुपया डिविडेंड देता है, देता होगा, लेकिन हम लोग जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, हमको एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए, ग्रोथ रेट ऐड करना, इसमें ग्रोथ रेट हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो ग्रोथ रेट ऐड करेंगे एक रुपये पे, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट इज द क्वेश्चन, कंप्यूट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के ई फाइंड करो, देन इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 6%, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस, समझो 6% ग्रोथ रेट है तो शेयर प्राइस क्या होगा, एंड नंबर 3, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, एंटीसिपेटेड एनुअल ग्रोथ रेट 5% है। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब तुमको के ई दिया हुआ, इधर देखो, इधर के ई 8% लेना ऐसा बोला उसने, के ई नया दिया उसने, नया 8%, और ग्रोथ रेट 5%, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस, देखो दिस सम इज फॉर प्रैक्टिस, यू हैव टू ट्राई, मैं डिस्कस करूंगा लेकिन तुम लोग पहले ट्राई करो, चलो स्टार्ट करो। सर ये के ई 8% ऑफ 20 रुपीस लगेगा, के ई इज 8%, दैट्स इट, ऑफ 20 ऐसा कुछ नहीं, के ई इज 8%, द रेट इज गिवन। ओके चलो, यू हैव टू सॉल्व, ट्राई दिस क्वेश्चन, मैं डिस्कस करता हूं बाद में, तुम पहले ट्राई करो, चलो आई विल गिव यू टाइम, यू ट्राई, चलो आई थिंक इट्स डन, हो गया सबका, चलो वन बाय वन यू गिव मी द आंसर, वन बाय वन यू गिव मी द आंसर, फर्स्ट आंसर क्या था, फर्स्ट आंसर क्या था,
10.25%. ठीक है, सेकेंड आंसर बोलो, सेकेंड आंसर, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल तुमको मिला 10.25, दैट्स फाइन, फिर 24.94 रुपीज है, डन। और लास्ट वाला बोलो, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 8% है 35 रुपीज, ओके। सो आई होप एवरीवन गॉट दिस आंसर। यस सर। ओके गुड, नाउ वी कैन टेक क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव, ठीक है चलो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं हो पाएगा, विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, यस सर, चलो बाय। यस सर।